गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो आज फिर क्लास एट के बच्चों के लिए इतिहास इसके पिछले जितने जो भी वीडियो था उसमें आप लोगों ने आधुनिक काल के बारे में पढ़ा था और यह चैप्टर खत्म भी हो गया तो आज हम इसका संक्षिप्त सार बता रहे हैं आज हम इसका संक्षिप्त सार बता रहे हैं ठीक है तो इतिहास को तीन कालखंडों में विभक्त किया जाता है इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया जाता है तीन कौन कौन सा पुरातन काल मध्यकाल व आधुनिक काल मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे भी इसको और उसको याद भी करेंगे इतिहास को तीन कालखंडों में विभक्त किया जाता है कितने कालखंडों में विभक्त किया जाता है तीन कौन कौन सा पुरातन काल मध्य काल व आधुनिक काल दूसरा आपका आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं में औद्योगिकरण नगरीकरण व प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जा सकता है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है ये इसमें बताया गया था कि औद्योगिककरण यानी कि बड़े बड़े कल कारखाने खुलना, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना इसीलिए औद्योगिकरण हुआ नगरीकरण नगरों का विकास हुआ प्रजातांत्रिक व राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जा सकता है आधुनिक काल में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए आधुनिक काल में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए तथा कई यूरोपीय नाविक नए समुद्री मार्गों की खोज में लंबी व साहसिक समुद्री यात्राओं पर पूर्व की ओर गए आधुनिक काल में क्या हुए अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए <coughs> कौन कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार हुए आप लोगों ने किताब में पढ़ लिया है पीछे कई यूरोपीय नाविक यानी कि जो यूरोपीय नाविक थे वह समुद्री मार्ग की खोज की ठीक है कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापारिक बस्तियों को उपनिवेशों में परिवर्तित कर दिया कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापारिक वस्तियों को उपनिवेशों में परिवर्तित कर दिया जैसे यहाँ पे जो व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो क्या कर ली वो उपनिवेश में परिवर्तित हो गया यानी कि पूरे भारत उसका उपनिवेश हो गया पूरे भारत पर उसका कब्जा हो गया ठीक है तो कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापारिक बस्तियों को उपनिवेश में परिवर्तित कर दिया गया इन उपनिवेशों के विस्तृत क्षेत्र पर यूरोपीय देशों ने आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया क्या कर दिया अपना अधिकार जो है वो जमाना आरंभ कर दिया किस पर जो जो व्यापार करने के लिए जो बस्ती थी उन पर कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापारिक बस्तियों को उपनिवेशों में परिवर्तित कर दिया इन उपनिवेशों के विस्तृत क्षेत्रों पर यूरोपीय देशों ने आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया आधुनिक काल से संबंधित प्रारंभिक स्रोतों में आधुनिक काल से संबंधित प्रारंभिक स्रोतों में पुरातात्विक अवशेषों वास्तविक दस्तावेजों चित्रों व वीडियो टेपो इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है आधुनिक काल से संबंधित प्रारंभिक स्रोत में यानी कि जो शुरुआती जो साधन है उनको किस में पुरातात्विक जो अवशेष होते थे यानी कि जो प्राचीन जो चीजों के अवशेष होते थे वो वास्तविक दस्तावेज दो दस्तावेज होते थे या चित्रों या वीडियो या टेपो को सम्मिलित करते हैं यानी कि उनका जानने के लिए कि क्या चीज इतिहास जानने के लिए आधुनिक काल से संबंधित प्रारंभिक स्रोतों से हमें उसका आधुनिक काल का इतिहास पता चलता है इसलिए हम उसको सम्मिलित करते हैं किसको सम्मिलित करते हैं तो पुरातत्विक अवशेष वास्तविक दस्तावेज चित्र वीडियो टेप इत्यादि को सम्मिलित करते हैं ठीक है तो यहां अब प्रश्न उत्तर भी दिया जा रहा है आपको ठीक है यहां कुछ प्रश्न है जिसको सही विकल्प पे आपको सही का निशान लगाना है जैसे नवजागरण कहां से शुरू हुआ सबसे तो पढ़े हो गए आप लोगों ने नव जागरण या पुनर्जागरण जिसे बोलते हो तो कहां से शुरू हुआ था इटली से इटली में लगा दोगे ठीक है केसरी क्या थी पत्रिका समाचार पत्र पुस्तक या फिल्म साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में केसरी क्या थी समाचार पत्र थे ठीक है आधुनिक काल के हमारे अधिकांश आधिकारिक आंकड़े किस देश के अभिलेखागार में सुरक्षित है तो आधुनिक काल के जितने भी दस्तावेज और आंकड़ा है वो भारत में अभिलेखागार या फिर वो संग्रहालय में सुरक्षित है कहां पे सुरक्षित है भारत के अभिलेखागार या फिर संग्रहालय संग्रहालय को हम म्यूजियम भी बोल सकते हैं ठीक है आधुनिक काल के हमारे अधिकांश आधिकारिक आंकड़े किस देश के अभिलेखागारों में सुरक्षित है तो इसका भी भारत ठीक है फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेज क्या था राजनीतिक था दार्शनिक था वकील था ये सभी थे फ्रांसिस बेकन कौन थे फ्रांसिस बेकन जो थे वो राजनीतिक भी थे दार्शनिक भी थे और वकील भी थे ये तीनों थे इसलिए इसमें ये सभी हो जाएंगे या फिर तीनों को लिख सकते हो फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेज राजनीतिक भी थे दार्शनिक भी थे और वकील भी थे ये तीनों थे ठीक है और जज भी थे यहां जज का ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए मत करना ठीक है फिर से एक बार जान लो फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक वकील जज ये सभी थे ठीक है भारत इनमें से किस किसका उपनिवेशिक रहा है ब्रिटेन का जापान का चीन का वियतनाम का उपनिवेश उपनिवेश यानी कि जो दूसरे राष्ट्र आके यहां शासन करते हो तो इसमें से कौन सा जो राष्ट्र है वो भारत में शासन किया है वो उपनिवेश कहलाया ठीक है ना तो इसमें से देखो तो ब्रिटेन है जापान है चीन है वियतनाम है तो भारत पर किसका उपनिवेश रहा यहां ब्रिटेन का किसका रहा ब्रिटेन का ठीक है नीचे कुछ व्यक्तियों को पहचान कर प्रत्येक का नाम लिखिए तुम्हारे फिगर में दिया हुआ सबका नाम भी दिया हुआ आप इसको पहचान के लिख सकते हैं ठीक है नंबर थ्री आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए संपूर्ण इतिहास के काल को अभी पहले भी बता चुके हैं संपूर्ण इतिहास के काल को तीन कालखंडों में विभक्त किया जाता है कितना में विभाजित किया जाता है तीन तो यहां क्या फरोगे तीन ठीक है भारत में आधुनिक आधुनिक काल का प्रारंभ भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है 1526 ईस्वी में बाबर के भारत पर आधिपत्य करने से 1707 सो ईस्वी बनी रही ठीक है पंद्रह सौ छब्बीस लिख सकते हो ठीक है ना यहाँ पे तुम वो ये नहीं लिखे शताब्दी लिख सकते हो भारत में आधुनिक काल का आरंभ अठारवी शताब्दी से माना जाता है कब से माना जाता है भारत में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है अठारवी शताब्दी से माना जाता तो यहां पे क्या भरोगे अठारवी किसने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान गोवा दमन और दीव में स्थापित किए कि कौन है वो कि अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान गोवा दमन और दीव में स्थापित किए ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर और कौन थी तो भर लेना महान मुगलों ने भारत पर महान मुगलों ने भारत पर कब से कब तक यह किया ठीक है यहां लिख सकते हो 1526 से 1707 सौ तक लिख सकते हो ठीक है औद्योगिक क्रांति ने घरेलू व्यवस्था को औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति ने घरेलू व्यवस्था को उद्योग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया नीचे फिर कुछ संक्षेप में उत्तर दीजिए इतिहासकारों द्वारा इतिहास को कितने कालखंडों में विभाग किया गया है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है नई खोजे हुई समुद्री यात्रा का खोज हुआ यही सब लिख देना है इसमें ठीक है नए समुद्री मार्गों की खोज करने वाले तीन खोजकर्ताओं के नाम बताइए नए समुद्री मार्गों के खोज करने वाले नाम बताना है तीन ठोका। तो क्या लिखोगे कोलंबस वास्को डिगामा फर्डिनन मैगलन ये सब समुद्री खोज करता है ठीक है नए समुद्री मार्गों की खोज करने वाले तीन खोजकर्ताओं के नाम बताइए तो वास्कोडिगामा और क्रिस्टो पर कोलम्बस मैगलन तीन ठो का नाम पूछा तीन ठो लिख दोगे उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है जैसे अभी हम लोग पढ़े उपनिवेश किसको कहते हैं यानी कि जो किसी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर उसका शासन रहे वो उसका उपनिवेशक कहलाता है ठीक है प्रथम व द्वितीय स्रोत सामग्रियों से आपका क्या तात्पर्य है प्रथम एवं द्वितीय स्रोत ठीक है इसमें कौन कौन सा जो ऐतिहासिक स्रोत बताया गया जैसे पुरातात्विक स्रोत ठीक है, है? साहित्यिक स्रोत आधिकारिक स्रोत ठीक है? है तो ये कर लेना और ये तुम्हारा जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये आप लोग को जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग को पूरा विस्तार से लिखाया जाएगा औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है वैसे अगर बुक आप लोग के पास उपलब्ध होगा तो बुक से आप लोग इसका ये कर सकते हैं पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है पूंजीवाद के कारण उदय होने वाले नए वर्गों का वर्णन कीजिए ठीक है तो आज बस इतना ही